कच्चे में नहीं जाना यार, मतलब समझ लो आज की डेट में ऐसा हो गया हमारे वहाँ 20-25% कच्चा रोड रह गया है, पक्का ही है। तब तक ठीक था वो कि तुम डिवाइड कर रही हो, बढ़िया सारा हो रहा है। शॉपिंग टाइम। सेव वाटर ड्रिंक भी। देखो देखो। डालो घड़ी में। आप चाहते हैं यहाँ से भाग जाएं? तो नहीं। दस दिन मैं खाऊंगी, क्या होता है? हाँ। तो तू क्या बोले, मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी। ठीक है यार, तुम तो मेरे शेयर नहीं करना। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, मेरे को दे दो कुछ। ऑल ऑफ अ सडन हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा आधी रात में। माधव का भी फिल हो 11 बज गया गाइस, अभी तक सोलो नहीं पहुंच पाए हम। बजने वाले ब्रो टाइम पे, अभी तक हम शिमला पहुंच जाने गए हैं। इनका सब कुछ बहुत सही है ब्रो, इनकी कॉफ़ी बहुत टेस्टी है। हाँ मेरे को बहुत अच्छी लगती है थोड़ी। नहीं क्या हुआ माधव? चेंज इन प्लान्स, अब मैं और अंकित घर जाएंगे और माधव और नेहा वापस चंडीगढ़ जाएंगे क्योंकि माधव की तबीयत खराब है। ओके गाइस, बाय माधव, ध्यान रखना। हाँ बाय नेहा। थैंक्स फॉर द मनी नेहा। ठीक है बाय यार, आराम। माधव की गाड़ी यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सामान है। अब हमें लग जाएगा आधा घंटे तक पहुँचने, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो यार हमको घर पहुँचते पहुँचते मतलब बहुत लेट हो गया था, तो हम सुबह 3-4 बजे घर पहुँचे। इसको लेके नहीं फूला भी मैंगो ऊपर आने कल पर पा देंगे। तो मैं तुझे रे बहुत सुनते थी हूँ सारे दिन सोने के बाद, अब मैं उठ रही शाम को और अब हम जा रहे हैं। ओके खत्म खत्म ही होने को नहीं आ रही बातें।
इनके घर में कोई रेंट पे रहता है और उन्हें बहुत गंद मचाई और वो साफ कर रहे थे। बता तो दे यार। बता तेरी गर्लफ्रेंड है? इसकी गर्लफ्रेंड बता दे। नहीं बताए ना। गैंग है इनकी, दो लोगों की है ना। तो यार वापस जाने का टाइम आ चुका है।